नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। देवघर जिले में अवैध कोयला ढुलाई पर अंकुश नहीं लग रहा है। पिछले दिनों जिले के SP सुभाष चंद्र जाट ने कोयला ढुलाई को बढ़ावा देने वाले चित्रा, देवीपुर और बुढ़ई थाना प्रभारी को निलंबित भी किया था, लेकिन इससे कोयला माफियाओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। लगातार जिले में कोयला का अवैध रूप से मोटरसाइकिल और साइकिल के माध्यम से ढुलाई जारी है। कभी कभी पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही भी होती रही है, फिर भी कोयला माफियाओं के हौसले बुलंद है। आज भी पुलिस द्वारा भारी मात्रा में कोयला समेत मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। जसीडीह थाना पुलिस ने अभियान चलाते हुए 18 मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने लाई है। जब्त मोटरसाइकिल से कोयले की ढुलाई कर बिहार ले जाया जा रहा था। पिछले दिनों भी देवीपुर थाना क्षेत्र से कोयला ढुलाई कर रहे 37 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था और आज जसीडीह थाना क्षेत्र से 18 मोटरसाइकिल। अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का कोयला माफिया और अवैध ढुलाई पर कितना अंकुश लगता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।